हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और आज हम बनाएंगे मूली और मिर्ची का बहुत ही इंस्टेंट टेस्टी अचार। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लंगर में खाते हैं। तो बहुत आसानी से बनता है, कोई झंझट नहीं, और आप इसको 10-15 दिन आराम से रखे खाइए, बाहर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। मूली का अचार वैसा ही बनेगा जैसा कि हम लंगर में खाते हैं। जब आप गुरुद्वारे जाते हैं तो आपको लंगर में एक अचार मिलता है खाने को, तो बहुत ही इंस्टेंट अचार है ये, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने में। और आजकल तो गर्मियों का सीज़न है, तो आप ये इंस्टेंट अचार डाल के रखिए, इनसे खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये चार मूली ली है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रेशियो नहीं होता है कि आपको इतनी ही मूली लेनी है, उतनी ही मिर्ची लेनी है, तो अंदाजे से ले लें। जैसे मैंने ये चार मूली ली है और करीब ये 12 से 13 जो है वो हरी मिर्चें हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिर्च को इनके डंडे हटाएंगे। और हाँ, मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से धो के और ड्राई कर लिया था। और मिर्ची को हम इस तरह से स्लिट कर देंगे। तो क्योंकि ये मिर्चियाँ बहुत तीखी है, तो मैं क्या करूँगी, आधी मिर्चियों के बीजे रखूँगी और आधी मिर्चियों के बीजे मैं हटा दूँगी। तो अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप सारी मिर्चियों के बीजे रख सकते हैं। तो ये देखें, हम बीजे हटाने के लिए क्या करेंगे, तो हम एक स्पून ले लेंगे इस तरह का, और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, और ये देखिए कितने आसानी से ये बीजे निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास मोटी वाली लाल मिर्च आपके उधर आती हो आपके शहर में, तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस अचार में, उससे ये बड़ा कलरफुल और टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, मैंने कुछ मिर्चियों के बीजे निकाल दिए हैं और अब मैं इन सब के डंठल हटा दूँगी और इनको भी स्लिट कर लूँगी। तो आप चाकू से कर लें या फिर आप सीजर से कर लें, इस तरह आपका मन है, जिस भी चीज़ से आपको स्लिट करना हो उसको। और आप चाहें तो इनके छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं मिर्ची के, इतनी बड़ी बड़ी अगर आपको स्लिट करके डालने का मन ना हो। तो ये देखें, हमारी मिर्चें तैयार है कट के अब। और अब हम क्या करेंगे, ये मूली लेंगे जिसको कि मैंने पहले से बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ है, और हम इसका इस तरह से छिलका निकाल देंगे और हम इसके साइड्स निकाल देंगे इस तरह से। और अब हम इनको इस तरह से गोल गोल पीसेस में काट लेंगे, चाहे तो लंबा भी काट सकते हैं, पर जो इस तरह का अचार लंगर में मिलता है वो इस तरह से गोल पीसेस काट के मिलता है। तो गर्मियों के सीज़न में अगर ये इंस्टेंट अचार आपके पास घर पे रखे हों, तो कभी कभी सब्ज़ी आप ना भी बनाए तो चलता है, ये अचार इतने टेस्टी होते हैं कि आप इनसे ही रोटी खा सकते हैं। तो ये देखिए, इनको मैंने काट लिया है और आइए आप हम इसको बाउल में डालेंगे। यहाँ पे देखिए, आप मैंने एक बाउल लिया है और हम इसमें ये मूली के जो टुकड़े हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे। मिर्ची नहीं डालेंगे, सिर्फ मूली ही डालेंगे इसमें। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर कर नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नमक हमने इसलिए डाला है जिससे कि मूली अपना पानी छोड़ दे और जो हमारा अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा इससे। ये देखिए, मैंने इसमें अच्छे से नमक डाल दिया है और अब हम इसको कवर करके करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि मूली अपना सारा जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ कर देगी और हमारा जो अचार है वो ख़राब नहीं होगा। तो मसाले में हम यहाँ पे डालेंगे पीली सरसों। पीली सरसों है ये 1 टीस्पून। पीली सरसों से खटास अच्छी आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल सरसों भी डाल सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 2 टीस्पून भरकर सौंफ, 1 टीस्पून सादा वाला राई या सरसों, और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना कम डालेंगे, कई बार मेथी डाला अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो अचार जो है वो कड़वा हो जाता है। और हम इसको दरदरा कूट लेंगे, इसको बहुत महीन ना करें, क्योंकि अगर मेथी को आप बहुत महीन कर देंगे तो उससे अचार में कड़वास आ जाती है। ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो दरदरा कूट कर तैयार है। अगर आप मिक्सी में पीसे तो ध्यान रखें इसको बहुत ज़्यादा महीन ना करें, नहीं तो ये जो मेथी है हमारे मसाले को कड़वा कर देगी। और आइए अब हम अचार बनाते हैं। तो ये देखिए, मूली को हमें रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और देखिए कितना सारा इसने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। हम इसका पानी सारा निकाल देंगे। तो आप एक छन्नी से इसको छान लें और इसका सारा पानी अलग कर दें। ये देखिए इसने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, कपड़े पे डाल देंगे और इसको एकदम पंखे के नीचे रख देंगे और इसको 1/2 घंटे तक सूखने देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे करीब 1/4 कप
मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल, आप कोई भी तेल अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल में ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हम इसको धुआं आने तक गर्म करेंगे, मतलब इसको तेज़ गर्म कर देंगे, और उसके बाद हम गैस को ऑफ़ करेंगे, क्योंकि जो सरसों का तेल जो है ऐसा माना जाता है कि उसको काफ़ी तेज़ आंच पे गर्म करना चाहिए जब तक कि उसमें धुआं ना उठने लगे। इससे क्या होता है कि उसमें और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये देखें, अब इसमें से धुआं निकलने लगा है। मुझे नहीं पता कि आपको फिल्म में दिख रहा है कि नहीं, पर ये अच्छे से बहुत गर्म हो चुका है। हम आंच को बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ल्यूकवार्म होने देंगे, और उसके बाद हम अचार डालेंगे। तो तेल अब काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गर्म है। हम इसमें डाल देंगे अपना पिसा हुआ मसाला। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। तो जो हींग है वो मूली के अचार में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मूली को डाइजेस्ट करने के लिए हींग बहुत काम आती है। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। क्योंकि हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/2 टीस्पून मिर्ची का डालेंगे हम। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए। और जो हमारी मेथी है और जो सौंफ है वो इस मसाले में हल्का सा कुक हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, तेल को बहुत ही हल्का ठंडा होना चाहिए। अगर आप तेज़ तेल में इसको डाल देंगे तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। और इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे ये मूली। तो ये मूली को मैंने बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया था। इसके साथ ही इसमें जाएंगी ये स्लिट की हुई हरी मिर्चें। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले मूली में भी डाल दिया था, तो हम 1 टीस्पून भर के नमक और डालेंगे। और अगर बाद में ज़रूरत लगती है तो हम और नमक मिला सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अगर आपको इस टाइम थोड़ा तेल जो है वो कम दिख रहा है, आप देखेंगे कि थोड़ी देर में, कल तक इसमें काफ़ी सारा तेल ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे का प्रोसेस क्या है। ये देखिए, हमारा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है, और हम इसको एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून विनेगर या सिरका। सिरका डालने से दो काम होते हैं, एक तो यह प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, तो हमारा अचार उतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, और सेकेंडली इसमें जो है अचार में खट्टापन चाहिए होता है, तो या तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं या सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब हम इसको एक जार में भरेंगे। तो उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, देखिए जो ये ग्रॉसरी वाले बैग आते हैं, तो मैंने इसको काट के इसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया है, और इस टुकड़े को जो है हम जार के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हमें ये अचार 1 से 2 दिन तक सिर्फ 1-1 घंटे के लिए धूप में दिखाना होगा, जिससे कि ये काफ़ी लंबा चलेगा। तो आप इस अचार को ऐसे भी खा सकते हैं, पर अगर इसको धूप दिखा देंगे तो ये काफ़ी लंबा चलेगा और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो आइए हम अचार को भर लेते हैं। हम ये अचार एक सूखे मृदवान में डाल देंगे। तो आप कोई भी कांच का डब्बा ले लें, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, और इसमें इस अचार को भर दें। अब हम इस अचार को एक कपड़े से ढक देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एक नेट का कपड़ा लिया है मैंने, और हम इसके ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा देंगे। और अब अचार को हमें 2 से 3 दिन तक, या फिर 2 दिन ही काफ़ी हैं, आप 1-1 घंटे के लिए इसमें धूप दिखाएं, तो ये बिल्कुल 2 दिन में खाने लायक तैयार हो जाएगा। आप इसको आज भी खा सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार सा अचार तैयार होता है। आप इसको पराठों से खाएं, पूड़ी से खाएं, दाल चावल से खाएं, बहुत लाइट, बहुत टेस्टी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।